अच्छा ये देख रहे हैं आप, ये ऑडियंस को देख रहे हैं आप, हंसती मुस्कुराती ऑडियंस, ये से फजूल में नहीं आई हुई माशाल्लाह। ये मैं हर शो में बताता हूँ, ये फजूल में नहीं आते, बिरयानी खाने आते। ये राज है, ये राज है इनका। मैं इनके पास जाऊंगा और एक एक ज़ाफ़रानी बोटी से सवाल पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर माइक थोड़ा करीब रखिएगा मुंह के, ये माइक ही है सर, ऑन है सर माइक, एकदम आपको चलता हुआ दिया। अच्छा हाँ, आप इसके ऊपर मुंह रख के चल पड़े। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? सैयद कासिम रजा। सर सवाल लाए कोई? जी जी तो पूछिए जी। मेरा क्वेश्चन है कि आपकी शादी जो है वो किस एज में हुई? आपके मैं 20 प्लस था जब मेरी शादी हुई। 20 प्लस अब आगे जितना भी जोड़ना चाहें जोड़ लें। सर को हर चीज 18 प्लस अच्छी लगती है। आपने क्यों की शादी और किस उम्र में की प्रोफेसर साहब? हमारी शादी जो है वो चूंकि PhD हम कर रहे थे फ्रांस जी में, और जब PhD हम मतलब भाभी भी साथ कर रही हैं। आप अकेले कर रहे थे? PhD कर रहा था फ्रांस में कर रहा था, तो ख़त्म करने के बाद जब वापस पाकिस्तान आए। फ्रांस को या PhD को? PhD को क्लियर करता चलू मैं चीज़। फ्रांस ही ख़त्म कर दिया, ना रहेगा फ्रांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ नहीं, वो फ्रांस तो ख़त्म कर नहीं सके। हाँ PhD खत्म करके जब वापस आया तो फिर आके जो है वो शादी जो है वो की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? मोहम्मद फैसल सैफी। फैसल सैफी, फैसल सैफी क्या करते हो? मैं फार्मडी कर रहा हूँ। फार्मेसी पढ़ रहे हो तुम, वेरी गुड। तो तुम और कुछ करते हो या सिर्फ यही करते रहते? स्टडी ही करता हूँ बस, या घर वालों मतलब यही करते, या घर वालों के साथ बैठ जाते हो बातें कर लो और तुम कुछ नहीं करते? जी। मोबाइल भी नहीं तुम्हारे पास? मोबाइल है। तो उसको क्या क्यों रखा हुआ है ऐसे, चार्ज करने के लिए? आमतौर पे स्टडी के क्लास के मैसेजेस वगैरह आने होते हैं बस, तो ही नहीं है। और किसी का नहीं होता। जिस जिसको फैसल पे यकीन है वो हाथ खड़ा करे। क्लास में बैठे हैं ये सिर्फ एक बंदे ने खड़ा किया हाथ, आप दोनों के दरमियान क्या हो रहा है भाई? वो मेरा क्लास फेलो है ना, वो भी मेरी तरह सिंगल ही है। आप दोनों सिंगल हो, पूरी क्लास में सिर्फ दो लड़के सिंगल है, तो आप दोनों कुछ सोचो। हाँ तो सवाल लाए हो कुछ? जी सर कुछ, मेरा दोनों गेस्ट से सवाल है। पहले तो मैं मिस सस्मा से करूँगा सवाल, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, इस वजह से सिंगल हो तुम। पूछो पूछो पूछो। सवाल यह है कि नुमान सर का फेव जो सबसे मशहूर होने वाला करेक्टर था ना, वो था भोला, तो क्या रियल लाइफ में भी ये इतने भोले हैं या बस करेक्टर की हद तक हैं? मैंने वो ड्रामा ही नहीं देखा। मगर वो इसको इसको कहते हैं घर की मुर्गी दाल भरा। नहीं नहीं नहीं, मेरी तब शादी नहीं, घर का मुर्गा कर ले। शादी हमारी नहीं हुई थी तब तक। ये मासूम लड़का पीली पीली शर्ट वाला ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि वो भोले हैं या नहीं। नहीं अगर नहीं भी है तो कोई बुरे, हम कौन से भोले हैं? नहीं बड़ा भोले नहीं है। ठीक है सर। नुमान सर आपसे एक सवाल है कि हर इंसान को ना कहा जाता है जन्नत में 70 हूरें मिलेंगी, वाह, तो आपको एक दुनिया में ही मिल गई है, तो इसके लिए एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है या वैसे ही मिल जाती है? बड़ा हूरें लेने के लिए वैसा होना भी होता है। अपने मोहल्ले का ना, मैं भी शाहरुख खान, मोहल्ले का नाम लिख के दो मुझे, मैं वहां फ्री आंखों का अस्पताल खोलूंगा। चलो।